गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली पार्ट 5। हम ऑलरेडी बना चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आज आप देख रहे हैं WH फैमिली पार्ट 5। अब ये पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में है डिफरेंस बिटवीन हूज एंड हूम, जहां पर ज्यादातर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो आइए शुरू करते हैं और आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हूज एंड हूम। फ्रेंड्स, हूज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, और हूज की एक शर्त होती है कि हूज का आप जब भी यूज करेंगे उसके साथ एक नाउन लेना पड़ेगा, यानी कि नाउन होना चाहिए, क्योंकि किसका किसकी एक पोसेसिव प्रोनाउन की तरह है और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन आता है, जैसे कि किसका घर, किसकी गाड़ी, किसका पेन, किसका फोन, ऐसे। होम का मतलब होता है किसे और किसको, लेकिन कभी कभी होम का मतलब किसका, किसकी, किसके में भी जाता है, तो वहां प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि किसका किसकी मतलब हुज भी है और किसका किसकी किसके का मतलब होम भी है, तो कब हमें हुज लगाना है और कब हमें होम लगाना है, ये डाउट्स आपका क्लियर होने जा रहा है। पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम किसके घर जा रहे हो। देखिए, किसके के बाद यहाँ पर एक नाउन दिया गया, किसके घर, किसकी गाड़ी, किसका फोन, अगर ऐसे शब्द आएंगे तो आपको हुज का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस बना हमारा हुज हाउस, किसके घर जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रहा है, रही है, और हम WH फैमिली के साथ कौन सा रूल करते हैं, यूज इंटरोगेटिव रूल 95%। ठीक है, तो हुज के बाद हमने एक नाउन लगाया हुज हाउस और उसके बाद इंटरोगेटिव रूल लगा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस का। Whose house are you going? हमारा सब्जेक्ट है you, continuous tense है, तो is हमारा आया और ing आया। Whose house are you going? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम किसकी पूजा करते हो। देखिए, किसका, किसकी, किसके के बाद एक वर्ब दी गई है, पूजा करना। यहां पर हमारे पास कोई नाउन नहीं दिया गया, तो जिस सेंटेंस में किसका, किसकी, किसके वर्ड आए लेकिन नाउन ना दिया गया हो, वहां पर आपको whom का प्रयोग करना है। जैसे कि यहां पर हमने यूज करा होम डू यू वर्शिप, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का इंटरोगेटिव रूल है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस बना हमारा होम डू यू वर्शिप, यू हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं एक बारी, अगर किसका किसकी शब्द के साथ कोई नाउन दिखाई देता है तो आपको हुज का प्रयोग करना है, अगर कोई नाउन नहीं दिखाई देता है तो आपको होम का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने किसका पेन लिया है, किसका के बाद पेन आ गया यानी कि नाउन आ गया, किसका पेन, किसकी गाड़ी, किसका घर, किसका फोन, तो हुज के साथ हमने एक नाउन लगाया पेन, हुज पेन, और टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव रूल लगाएंगे, हैज है पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट अगर होता है तो, बचता है तो। हुज पेन हैव यू टेकन, तुमने किसका पेन लिया है, तुमने हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेना हमारी वर्ब हो गई और ये हमारी WH फैमिली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, तुम किसकी चिंता कर रहे हो। देखिए, यहां पर भी किसका, किसकी, किसके में से एक शब्द आया है लेकिन उसके बाद एक वर्ब आई है, चिंता करना, नाउन नहीं आया, तो नाउन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे। होम आर यू वरिंग अबाउट, तुम किसकी चिंता कर रहे हो, चिंता करना वरी हो गया, तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो आई थिंक आपको हुज और होम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।